दोस्तों, हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक कस्टमर का फ़ोन आया जिनके हमने 18 लीटर का आरओ विद यूवी विद टीडीएस कंट्रोलर लगाया हुआ है। तो उनकी कंप्लेंट ये आई कि सर, हमारा फ़िल्टर तो ऑन होता है, वाइब्रेशन होती है पंप की, लेकिन पानी नहीं आता, तो क्या करें दोस्तों। एक्चुअली ये जो फ़िल्टर, इसकी हमने तकरीबन 2 महीने पहले ही सर्विस की थी और इसमें सारे पीपी स्पन, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन, पोस्ट कार्बन, यूएफ, सब कुछ नया लगाया था। तो आज देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पानी प्योर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, क्वालिटी वर्क आपका दिखना चाहिए। जब हम किसी के घर काम करना जाएं तो उस वक्त आराम से पोलाइटली काम करें और जो भी दिक्कत हो चेक करने के बाद पूरा सिस्टम, उसके बाद ही कस्टमर को बताएं। पहले अपना अंदाज़ा मत दें कि ये भी ख़राब हो सकता है, ये भी ख़राब हो सकता है, उससे कस्टमर का विश्वास कम हो जाता है। दोस्तों, इस केस में हमने जो चेक करना है वो एसवी की इनपुट पहले चेक करनी है कि क्या इनपुट तक पानी आ रहा है, और फिर आउटपुट चेक करनी है। अगर वहाँ पानी इनपुट पे आ रहा है और आउटपुट पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि एसवी की प्रॉब्लम है। इस केस में भी सेम ऐसा ही हुआ है, इन कस्टमर का एसवी ख़राब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पूरे दिन कट लगा था और अचानक जैसे शाम को ऑन किया तो वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से SMPS तो बच गई, लेकिन इनका SV शॉर्ट हो गया और ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा था। तो हमने 24 वोल्ट का SV चेक किया नया, और चेक करने के बाद इंस्टॉल कर दिया। अब हम पानी का फ़्लो चेक कर रहे हैं, पानी का फ़्लो बिल्कुल सही है। और इसकी जब भी हम कभी रिपेयर करते हैं किसी भी पार्ट्स की आर ओ की, तो उसकी TDS ज़रूर चेक करते हैं। तो आपने भी जब भी कभी किसी भी पार्ट को आप रिपेयर करो तो TDS आप ज़रूर चेक करा करो, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि TDS पीने वाले पानी की 50 प्लस है और 150 के नीचे हो। ये जो रेंज है 50 to 150 PPM बेस्ट मानी जाती है। दोस्तों, ये भी ख्याल रखना है कि जब भी आप RO सिस्टम ऑन करो तो पानी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। अगर पानी की सप्लाई कम हो उस केस में भी SV ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ओवरहीट हो जाता है। और ये भी कोशिश करें कि जो SV आप चेंज करें वो कॉपर का हो, ना कि एल्युमिनियम का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड आरओ स्केल और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। आरओ के रिलेटेड आपको हर इन्फॉर्मेशन, हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।